नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी नेक की डिज़ाइन का ट्यूटोरियल, बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पर हमने कुर्ती को कट किया हुआ है और यहाँ हम सबसे पहले जो फोल्डेड भाग है वहाँ से हम 11 इंच पर मार्क करेंगे, 11 इंच पर। और उसके बाद में यहाँ इंची टेप को ऐसे ही रखना है, फिर आगे 10 इंच पर इंची टेप का गैप रखते हुए 10 इंच पर, फिर वापस इंची टेप को आगे लेकर 9 इंच पर ये मार्क करना है, फिर वापस आगे 8 इंच पर। इस तरह से फोल्डेड भाग पर 11 इंच है, फिर उसके आगे 1-1 इंच हम कम करते हुए ये मार्क करेंगे और इन मार्क को हमें सीधी लाइन के रूप में इस तरह से ड्रॉ कर देना है। अभी ये मार्क्स दूसरी साइड में भी देने हैं। जो फोल्डेड भाग में हमने ये मार्क दिया है, ये 11 इंच का, फिर वापस इंची टेप का ये गैप लेते हुए 10 इंच, 9 इंच, 8 इंच पर मार्क करेंगे और ये सीधी लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरह से इन मार्क के ऊपर हमें यहाँ पर गोटा पत्ती अटैच करनी है। ये जो मार्क्स है उनके ऊपर हम गोटा पत्ती से सिलाई लेंगे। इन सबके बीच में 1-1 इंच का गैप है और इंची टेप पर जो चौड़ाई है वही चौड़ाई का गैप इन सबके बीच में है। यहाँ हम जब ये गोटा पत्ती स्टिच करते हैं तो पीछे से हमें सही से खींचना है ताकि यहाँ पर कोई सिलवट ना आए, और यहाँ जितना मार्क है वहाँ पर लॉक देकर इसे वापस दूसरी साइड में शुरू करेंगे स्टिच करना दूसरी लाइन की ओर। यहाँ हमने ये सारी गोटा पत्ती स्टिच कर दी है। उसके बाद में एक अलग कलर का कपड़ा लेकर उसके ऊपर पेपर कैनवास चिपकाया है और फिर ये स्क्वायर में एक पीस लेना है। इस पीस की लंबाई और चौड़ाई 1 इंच से थोड़ी सी कम है इस तरह से, और यहाँ पर जो पेपर कैनवास है हमारा इसकी यहाँ पर ये मार्क करना है। जितनी हमारी लाइंस है गोटा पत्ती की उतने हमने मार्क किए हैं। इसके नीचे एक फैब्रिक का पीस और रखा है और जो मार्क किया है उसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लेंगे, और ये सारी सिलाई लेनी है इन स्क्वायर के पीसेस पे। मैंने यहाँ पर सारी सिलाई ले ली है, फिर इन्हें कट करेंगे। सिलाई का जो मार्जिन है वो रखना है। इस तरह से सारे स्क्वायर के पीस अलग करेंगे और जो कॉर्नर्स है उनको इस तरह से कट करना है। इसमें एक साइड में पेपर कैनवास है और एक साइड में प्लेन फैब्रिक है, तो प्लेन फैब्रिक को इस तरह से कट करेंगे। ये कट करके ये होल की तरह हो जाता है और इसे फिर राइट साइड में लाना है ताकि इसका जो सिलाई का मार्जिन है वो अंदर की ओर तब जाए और ये फिनिशिंग का हो जाए। ये स्क्वायर का पीस फिनिशिंग का ये पेच हो जाएगा। इसके ऊपर हमने आयरन किया है। एक साइड में ये फिनिशिंग का है और एक साइड में ये होल वाला हिस्सा है। जो होल वाला हिस्सा है वो हमें रॉन्ग साइड में रखना है और सारी गोटा पत्ती की लाइंस के नीचे हमें इनको स्टिच करना है इस तरह से प्लेस करके। यहाँ पर इनको स्टिच करना बहुत इजी है और स्क्वायर में है इसलिए सारी गोटा पत्ती की लाइंस के एग्जैक्ट नीचे हमें ये यहाँ पर अटैच करना है। आप अलग अलग कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक भी ले सकते हैं या कोई प्रिंटेड फैब्रिक ले सकते हैं इसके ऊपर, इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से दूसरी ये दूसरा स्क्वायर का पीस हमें इसके नीचे ऐसे ही अटैच करना है। इस तरह से हमने यहाँ पर ये सारे पेच अटैच कर लिए हैं। अभी इस कुर्ती को फोल्ड करना है सेंटर से और फिर हम यहाँ पर हमारा बॉटनेक का मार्क देंगे। यहाँ से नेक की विड्थ 4 इंच और नेक लेंथ भी 4 इंच पर मार्क करेंगे और बॉटनेक का शेप देकर उसे कट करना है।
यहाँ हम कोई भी कैनवास या बुकम से इसकी फिनिशिंग नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ हम पाइपिंग से इसकी फिनिशिंग करेंगे। इस तरह से नेक को कट कर दिया है हमने, और ये उरेब की पट्टी ली है। इसको फोल्ड करके हम नेक की रॉन्ग साइड में इसको स्टिच करेंगे। इस तरह से नेक पे स्टिच होने के बाद हमें यहाँ पर कुछ कट देने हैं सिलाई के मार्जिन पर। कट देने के बाद इस पट्टी को हम राइट साइड में टर्न करेंगे। और फिर इसके ऊपर सिलाई लेनी है। ये हमारा कुर्ती का राइट साइड है, नेक का भी। और इस तरह से ये नेक के ऊपर हमारी गोल्डन कलर की पाइपिंग की तरह ये अटैच हो जाएगा। इस तरह से हमारी नेक की फिनिशिंग हो गई है। और नीचे के जो पीच है वहाँ पर हम ये एसेसरीज अटैच करेंगे। ये मोती है जिसकी दूसरी साइड फ्लैट है, और यहाँ मेटल की इसकी बाउंड्री बनी हुई है। इसको हमें ग्लू से चिपकाना है सारे पेचेस के ऊपर। और इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन के रेडी है। आप इसमें और भी कुछ वैरायटी ऐड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।